नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज सवाल आरएएस की परीक्षा में पूछे गए थे और जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे, वो एक्सपर्ट जिनको अपने अपने सिलेबस में महारत हासिल है। आपको याद होगा हमने आपके लिए रीट की परीक्षा का संभावित परिणाम जारी किया था और इसी तरीके से प्रोग्राम में आपको हर सवाल का जवाब दिया था। बिल्कुल वैसे ही आज हम आपके लिए आरएएस परीक्षा पेपर के सवालों के जवाबों को आप तक पहुंचाएंगे। आपको दो काम करने हैं, पहला काम पेन और अपना पेपर लेकर बैठिए और दूसरा इस प्रोग्राम को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चल पाए कि उन्होंने कितने सवालों के सही जवाब दिए और कौन से सवालों के जवाब देने से वो चूक गए। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप आरएएस की परीक्षा में पास होने वाले हैं या दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है आरएएस के परिणाम से पहले फर्स्ट इंडिया का संभावित परिणाम। हम आपको देंगे आरएएस प्री की आंसर की, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अपने एक्सपर्ट के साथ आपको एक एक सवाल का जवाब दें, उससे पहले आपको आरपीएससी की तरफ से जो आज परीक्षा आयोजित की गई आरएएस प्री 2021 इससे जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं। दरअसल 988 पदों के लिए प्रदेश भर में परीक्षा हुई है। प्रदेश में 49.37% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। करीब 6,48,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान इंटरनेट बंद रहा था। इंटरनेट बंद इसलिए रहा था ताकि पेपर लीक जैसी समस्याएं, पेपर वायरल होने जैसी समस्याएं सामने ना आए, लेकिन दो आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला आंकड़ा तो ये कि प्रदेश भर के अंदर 6,48,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। दूसरा आंकड़ा है कि प्रदेश में 49.37 अभ्यर्थियों ने ही एग्जाम दिया, यानी कि लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो एक तो जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी आधी टेंशन ये खत्म, क्योंकि 50% ही बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो 50% अपने आप ही इस पेपर से आउट हो गए। अब जो 50% बच गए, लगभग 3 लाख के आसपास जो बच गए जिन्होंने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा दी है, उन बच्चों को आज हम पेपर सोल्व करके बताएंगे कि आपने किस सवाल का क्या जवाब दिया है, वो जवाब क्या सही है या फिर गलत है, आपकी कितनी संभावनाएं कि आप आरएएस प्री को क्रैक कर सकते हैं। 150 प्रश्न है, 150 के 150 हम आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे। एक बेहद खास पैनल हमने बुलाने की कोशिश की ताकि आपको ये समझ में आए कि जो सवाल आपने अटेंड किए हैं उनके जवाब क्या कुछ रहे हैं। तो कुछ और जानकारी आपको देते हैं, जानकारी आरएएस प्री के सिलेबस से जुड़ी दे देते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। दरअसल भारतीय इतिहास, राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन, इसके अलावा राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक अवधारणाएं और राजस्थान भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रीजनिंग और मानसिक क्षमता, इन सबसे इतर करंट अफेयर्स, ये दरअसल सिलेबस का हिस्सा जो आप बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि आपने तैयारी की है। लेकिन इन तमाम सिलेबस में किस तरीके के सवाल आए हैं, उन सवालों के जवाब क्या हैं, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। यानी कि हम आपके लिए आज राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, इनसे जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हम आपको देंगे। इसके अलावा भारतीय इतिहास, राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल, इससे जुड़े जितने भी सवाल आए हैं उनका जवाब भी हम आपको देंगे। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन, इससे जुड़े सवाल जो भी आरएएस प्री के एग्जाम में आए हैं उसके जवाब भी हम आपको देंगे। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े जो सवाल है उनके भी जवाब देंगे। आर्थिक अवधारणाएं और राजस्थान भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े जो सवाल आए उनके भी जवाब हम आपको देंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रीजनिंग और मानसिक क्षमता से जुड़े जो सवाल आए हैं उनके भी जवाब देंगे। और करंट अफेयर्स यानी कि मौजूदा समय में किस तरीके की खबरें चल रही हैं उससे जुड़े सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं आपके लिए। 150 सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे।
आपको प्रोग्राम में लगातार बने रहना है, वीडियो को शेयर करते चलिए ताकि जो एग्जाम दे रहे हैं 3 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है वो ये समझ पाए कि आज उन्होंने पेपर को क्रैक किया या कहीं पर चूक हो गई। ये दौसा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दौसा में आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई। परीक्षा में 60.42% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दौसा में 29 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कलेक्टर पीयूष समरिया और SP अनिल बैनीवाल ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। कि RS प्री परीक्षा है, काफ़ी स्मूथली सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कुल दौसा हेडक्वार्टर्स पे 29 सेंटर्स हैं और लगभग नियरली 9000 प्लस अभ्यर्थी अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और काफ़ी कहीं पर भी कोई ऐसी कोई शिकायत या कोई ऐसी घटना का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारे हर जगह जांच दल सतर्क हैं और हम भी खुद ग्राउंड पे निकल रहे हैं। यहाँ पे हम प्राइवेट कॉलेज में इसका निरीक्षण कर रहे हैं, इसको भी आगे और इंश्योर करेंगे कि स्मूथली हो जाए। सुरक्षा व्यवस्था हर सेंटर पे 4 पुलिस वाले हमने डिप्लॉय किए हैं और कुछ हमें फिक्स पिकेट्स 12 हमारी फिक्स पिकेट्स लगी हुई हैं। कुछ हाई जो ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ भी हमारा जब तक डिप्लॉय है। उसके बाद 5 हमारी मोबाइल पार्टीज इसमें लगी हुई हैं, उसके 5 हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स। टोटल 29 सेंटर हैं, लगभग 9,500-10,000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। और जैसे सेंटर विजिट कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 45-50% ठीक अटेंडेंस के अंदर भी शॉर्टेज आई है। तो भी मतलब प्राइमरी यही पता लगे, बहुत सारे बच्चों ने नाम भी वापस लिए कि तैयारी अगर नहीं अपना अटेम्प्ट नहीं खराब हो। बाकी शांति से चल रहा है एग्जाम और होपफुली शांति से कंप्लीट करवा लिया जाएगा। थैंक यू। जैसलमेर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच RS प्री परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। केंद्रों पर आज RS परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा है वो संपन्न हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से परीक्षा केंद्र संपन्न होने के बाद जो परीक्षार्थी है किसी के चेहरों पर मुस्कान तो कहीं मायूसी सा देखी जा रही है और जो खुशी है वो जो है परीक्षा केंद्रों से हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। राज्य भर से परीक्षा देने कई परीक्षार्थी है वो यहाँ पर आए थे और परीक्षा केंद्र पर जिस तरीके से परीक्षा देने के बाद अब फिर से हैं वो लौट रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज परीक्षा दी है। तो कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर बढ़िया हुआ, ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। कैसा पेपर हुआ भैया? देखिए सर, पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए तो पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा था, इसलिए जहाँ तक लग रहा है तो कट ऑफ पिछली बार की तुलना में थोड़ी कम जा सकती है। लेकिन जहाँ प्रतिभागियों का इस बार प्रतिस्पर्धा अधिक थी, तैयारी का स्तर भी काफ़ी अच्छा था, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरिट का स्तर भी थोड़ा रहेगा लेकिन कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आपका किस तरीके से पेपर आया, किस तरीके का पेपर आया था, किस तरीके से कोई कठिनाई तो नहीं हुई? कुछ भी कठिनाई थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा हुआ पेपर पहले से। और अब वक्त जिसका इंतजार आप कर रहे थे, क्योंकि जो ये पेपर है इसमें आपने अपने सवालों के जवाब जरूर दिए हैं। 150 सवाल थे, लेकिन किसका सवाल सही और किसका गलत, हमारे साथ जो पैनल मौजूद है वैसे तो वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि राजस्थान में परीक्षा देने वाले छात्र उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, उनके नोट से तैयारी करते हैं। फिर भी रवायत के तहत उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सामान्य ज्ञान के जानकार, चेहरे पर मुस्कान के मालिक और छात्रों के सामान्य ज्ञान को सामान्य अंदाज में मजबूत करने वाले कुंवर कनक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनके हिस्से में कौन कौन से सवाल और उनके जवाब क्या है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय राजनीति के जानकार, वो राजनीति नहीं जो आज के दौर में समझ से परे है बल्कि वो राजनीति जो समझ में आती है और किताबों में इतिहास बन जाती है, उसके जानकार हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे JC जाखड़ जी। हमारे साथ मौजूद है इतिहास के जानकार, वो इतिहास जिसको बदला तो नहीं जा सकता लेकिन वो इतिहास आपके वर्तमान को बदल भविष्य को सुनहरा जरूर कर सकता है क्योंकि उससे जुड़े सवाल इस पेपर में आए हैं, सही किए तो भविष्य स्वर्णिम होगा। उस इतिहास को सही तरीके से समझाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर M शंकर जी। रीजनिंग यानी कि तर्क, जिसके पीछे कोई कारण होता है, साथ में मैथ जो टिका है नियमों पर, जिंदगी के गुणाभाग से इतर किताबों के गुणाभाग को तर्क के साथ समाधान की तरफ ले जाने वाले रीजनिंग मैथ के जानकार विवेक चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू करते हैं कुंवर जी, आपके साथ शुरू करते हैं।
जिस मुस्कान के साथ आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसी मुस्कान के साथ सर आप अपने कौन कौन से सवालों के जवाब देंगे बच्चों के सामने, क्योंकि इस पेपर में 150 सवाल हैं और जिस तरीके से मैं इसको समझ पा रहा हूं कोई एक सेट पैटर्न नहीं कि सामान्य ज्ञान के इतने से इतने, राजनीति के इतने से इतने, रीजनिंग मैथ के इतने से इतने या फिर इतिहास के इतने से इतने, तो फिर आप ही सवाल को पढ़ते जाइए, उसका नंबर बताते जाइए, उसका जवाब बताते जाइए सर। जी सर, राजस्थान की युवा पीढ़ी जो प्रशासनिक सेवा में अपना भविष्य का निर्माण करने जा रही है, बहुत अच्छा प्रथम चरण इस परीक्षा का यानी प्रीलिम्स का आयोजन हुआ, बहुत गजब का पेपर, स्तरीय पेपर, और जिसके लिए आरएस परीक्षा जानी जाती है वो वाला पेपर। हम जल्दी से आंसर की हकल करते हैं। परीक्षा में अपीयर होने वाले हर प्रतियोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो रियल में पढ़ने वाला है, जिसका जुनून और जिसका सपना आरएस अधिकारी बनना है, उनके लिए ये पेपर था। पहला प्रश्न देखिए, बहुत गजब का, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ के व्यक्ति तांबा गलाना जानते थे, यस। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। धातु की मुद्राएं मिली, यस। लाल काले मृद भांड वहां से मिले, यस। तो ए सी और डी इसमें राइट है। राजस्थान नंबर कितना है? सवाल नंबर 2। ये सीरीज अलग अलग है इसलिए सबके 2 नहीं होगा, ये ASR 21 सीरीज है। ठीक है सर, है ना। राजस्थान, तो सवाल को पढ़ते चले जाएं, उसके नंबर पे ना जाएं। राजस्थान की रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो विवाह के पश्चात दुल्हन को जो दूसरी बार ससुराल लाया जाता है उसे आणो कहते हैं, और वैसे इसे गोना कहा जाता है। आणो दक्षिणी राजस्थान का शब्द है। राजस्थान, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद और श्यादवाद, ये जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। और हमें रूमा देवी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। रूमा देवी के बारे में जितने भी कथन इसमें दिए गए हैं उनमें से वो खेतड़ी गांव में पली, ये गलत है, है ना। वो बाड़मेर के पास पली बड़ी थी, बाकी इसके सारे कथन सही है। कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में सम्मानित किया गया, सही। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, सही। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा दिया, सही। तो गलत केवल है कि वो खेतड़ी की नहीं बाड़मेर की निवासी थी। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? जिस मूर्ति के बारे में पूछा गया वो परखम से प्राप्त हुई है। एक मूर्ति और मिली है दीदारगंज से, तो कंफ्यूज नहीं हो आप, प्रश्न को चैलेंज नहीं करें आप, परखम इसमें राइट आंसर आएगा। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये गुप्त काल का माना जाता है, और समुद्रगुप्त के काल में इसका निर्माण हुआ था। फिर हमारे प्रश्न आते हैं कि ये जो अनाज के नाम दे रखे कि कौन सा अनाज उस कालखंड में किस नाम से जाना जाता था, तो इसमें 4 नंबर का जो सुमेलित करो में है वो इसका राइट आंसर है। इस सीरीज का 8th नंबर क्वेश्चन है ये। फिर अगला वाला जो है वो प्रश्न हमारे हिस्ट्री का आ जाता है, प्रोफेसर हेम शंकर उसको हल करवाएंगे। फिर हमारा प्रश्न आता है कि त्यौहार और तिथियों के आधार पर, तो कजली तीज जो है वो भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है, होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, पर्युषण पर्व भाद्र माह में आता है, और गणगौर चैत्र है ना शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। तो फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। फिर आता है मझल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? बहुत गजब का समाचार पत्र पूछा, बहुत कम लोग जानते हैं, रियल तैयारी करने वाले। भरतपुर 1849, और इस चैनल के माध्यम से राजस्थान के कई लोग आज अपनी की को तैयार करेंगे, चैलेंज को बहुत बहुत बधाई। फिर अगला प्रश्न है, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भट्टियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया गया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धस गया था, और ये था तीजा मांझी का मंदिर, हालांकि ये तीजा मांगी का मंदिर है, रियल शब्द, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, आरपीसी के द्वारा आयोजित। ये आरपीसी अपनी परंपराओं को बरकरार रखे हुए है, वो गलतियां करे बिना मानती नहीं। तीजा मंदिर का मंदिर 4 नंबर इसमें राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, ये वाद्य और वाद्य वादकों से संबंधित है। भपंग, भपंग के जहूर कहाँ है? नड़, नड़ के करना भील है। तो ए इसमें यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर है। मैं जिस सीरीज को लेकर बैठा हूँ उसका 70 नंबर क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि संबंधित युद्ध दिए गए हैं और कौन सा युद्ध कब हुआ था? तो गागरोन का युद्ध जो हुआ था वो 1519 में हुआ था। फिर सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, और साहेबा का युद्ध है ना ये हुआ था 1541-42 में। ये भी सहोबा है, साहेबा नाम दिया गया है। बीकानेर के राव जेत सिंह को
जोधपुर के महाराजा राव मालदेव ने इसमें पराजित किया था। टोटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो कान में पहना जाता है। बखन दास जी, रामदास जी, जसनाथ जी और माधव दास जी रामस्नेही संप्रदाय के संत हैं ये, और फेमस है। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजुलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया, तथा 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई, ये अंजना देवी चौधरी थी। ये रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। और फिर हम चलते हैं राजस्थान से संबंधित दूसरे प्रश्नों में। तो अब राजस्थान के प्रश्न इन्होंने फिर दिए हैं लास्ट में, जी स्टार्टिंग में दिए हैं सर, मैं लास्ट में देता हूँ, एक सेकंड का आपसे टाइम लेता हूँ, फिर अगले वाले प्रश्न में निकाल लेता हूँ राजस्थान जी के। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है सर, आप लीजिए टाइम, कोई बात नहीं। आप हमें क्या है कि सेकंड घड़ी दिखाते दिखाते डराते रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं। बाकी आपको साधुवाद भी शुरू होगा, लेकिन अभी ऐसा वक्त नहीं है। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि राजस्थान के युवाओं के लिए चैनल काम बहुत गजब का कर रहा है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या द्वितीय स्थान पर जो है डूंगरपुर, निम्नलिखित में से उप उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उदयपुर इसका राइट आंसर आएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित है, लेकिन ऐसा है कि अगर इस प्रश्न को ढंग से देखा जाए चारों सुमेलित है, लेकिन BWHW बाड़मेर और BSHW श्री गंगानगर, इन दोनों प्रश्नों को लेकर अगर सी इसमें राइट आंसर माना जाता है तो ए और सी वो दोनों राइट माने जाएंगे। अब हम चलते हैं राजस्थान के अगले प्रश्नों में, ये जनरल साइंस आगे जो हमको विवेक चौधरी जी हल करवाएंगे राजस्थान जीके के अन्य प्रश्नों में। अब देखिए आप यहाँ पर एक प्रश्न आया, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, एवरीबडी नो, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील, ये साइंस का प्रश्न। कड़कनाथ एक किस्म है, मुर्गे की किस्म है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ को बहुत पसंद है। ये जो आगे प्रश्न हमारे आते हैं ये आते हैं, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है, तो सबसे कम वन जैसलमेर जिले में है, है ना। हालांकि ओवरऑल वनों में जिले के प्रतिशत में चुरू जिला और वैसे जैसलमेर जिला जी उसमें प्रथम स्थान पर आता है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, उदयपुर में है और उदयपुर की फतेह सागर झील में है। और एक बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ कि फतेह सागर झील में स्थित सौर वेधशाला और कैलिफोर्निया की एक दूसरे के आर पार बनी हुई है सौर वेधशाला है। अब इसके बाद जो है ये प्रश्न कुछ और बच जाते हैं राजस्थान जीके के दो प्रश्न और वो मैं आपको हल करा देता हूँ। बहुत अच्छा स्तर का ये पेपर है, आरएस का लेवल जिसे कहा जाता है वो वाला पुस्तक ये वाला है। तो ये आता है अगला प्रश्न, लास्ट में दो प्रश्न उसके रह गए हैं। कोई बात नहीं सर, दो दो सवालों को बाद में ले लेंगे, इतिहास को खंगा लेते हैं। तब तक आप जो है इतिहास को खंगा लेते हैं। प्रोफेसर एम शंकर जी हमारे साथ हैं। एम शंकर जी, दो सवाल। पहला सवाल तो ये कि पेपर क्या वाकई में आपको लग रहा है कि आरएएस के सर का है? दूसरा ये कि जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब किस तरीके से दिए जाने चाहिए थे, क्या सही जवाब है? जी सर, जैसा कि पेपर हमने देखा है, पेपर पहली बार ऐसा लगा है कि स्टूडेंट को जो है मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पेपर को ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा और उसके बाद में उसको टिक लगा दिया, नहीं, उसको सोचना पड़ रहा है कि जो चार ऑप्शन दिया है बहसद है उनमें से किसका आंसर वो चूज करे। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि दो जो है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, उसके बाद जो है वो उसको टिक कर रहा है। तो पेपर बहुत ही जो है ये कह सकते हैं कि टक्कर का आया, या कह सकते हैं कि जिसने मेहनत की है, जिसने परिश्रम किया है उसके अकॉर्डिंग आया है। पहले कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि कभी क्वेश्चन जो है वो आउट हुआ करते थे, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस मान लीजिए ऐसे, लेकिन इस बार जो है उसके अंदर से आए हैं। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करें। हम भारतीय इतिहास के बारे में देखते हैं कि भारतीय इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर क्या है। तो मैं भारतीय इतिहास को, राजस्थान इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन थे कनक सर ने वो बता दिया, मैं भारतीय इतिहास से संबंधित आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक, हमारे पास जो पेपर जो है वो है ASR 21 सीरीज का है, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। उनमें क्वेश्चन नंबर जो है वह है फोर्थ है, उसमें है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो उसमें चार आंसर है, अनेकांतवाद ऑप्शन जो है, सर्वस्थितिवाद, शून्यवाद और शादवाद। ये पूछ रहा है कि जैन धर्म से कौन संबंधित है जी। तो इसमें से दो गलत है और दो सही है, जो सही है वो ये पूछ रहा है। तो अनेकांतवाद और शादवाद ये दो राइट है, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो अपना हुआ है फर्स्ट, पहला प्रथम ऑप्शन जो है वो राइट है इसमें। ठीक है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वह है सिक्स नंबर। शीर्ष नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र
यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? चार ऑप्शन दिए, उसमें से जो राइट आंसर है वह है परखम से प्राप्त हुई है। परखम राइट आंसर है। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो है वह है गुप्त काल, राइट आंसर है। फोर्थ नंबर का जो है गुप्त काल। आठ नंबर का क्वेश्चन है, उसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलान करना है। बहुत ही उच्च स्तरीय प्रश्न है, इसमें आंसर जो देखते हैं अपन, इसमें वीरी है, मृदंग है, यव है और यक्ष है। इसको चारों को मिलान करेंगे तो आंसर जो है अपना आएगा तीन, जिसमें ए में फोर, बी में थ्री, सी में सेकंड और डी में वन। तो यानी कि थर्ड के नंबर का आंसर ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक। नाइन क्वेश्चन है, उसमें भी सूची वन और सूची टू को आपस में मिलाया है। उसमें अपन देख रहे हैं कि हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस और अलीपुर षड्यंत्र केस, इनको मिलान करना है। तो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, हावड़ा षड्यंत्र केस उससे जुड़े हुए जतेंद्रनाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस उसे जुड़े राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस उसे जुड़े हुए हैं मास्टर अमीन चंद्र और अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए अरविंद घोष। और इस चारों को ऑप्शन को अपन अगर नीचे खंगाले उसमें देखें तो राइट आंसर जो है वो है फोर्थ नंबर, यानी कि नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में फोर्थ नंबर का जो आंसर है वो राइट है। फिर इलेवन नंबर का क्वेश्चन है, वह विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था, यानी कि किसने स्थापित किया ये पूछ रहा है। उसमें चार ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो है वीर सेलिंगम द्वारा, वीर सेलिंगम पंतलु उसका पूरा नाम है, तो वीर सेलिंगम द्वारा जो है, यानी कि दो नंबर जो है वो राइट है। ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है वो है भरतपुर 1849 में, यानी कि 1849 से में जो है वो पब्लिश हुआ और भरतपुर से पब्लिश हो रहा है, उसी को ये पूछ रहा है। तेरह नंबर का क्वेश्चन है, थर्टीन नंबर का, उसमें खतन और कारणों वाला क्वेश्चन पूछा है, उसमें कारणों को उसने हटा दिया, इस बार तीनों ही जो है वो खतन से रिलेटेड पूछा है। वो है, वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से खतन सही है और कौन से गलत है। खतन नंबर वन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालंद्य ग्रंथ की रचना की, ये राइट खतन जो है वो राइट है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये खतन भी राइट है जी। उनके दरबार को अल सानी पेडुआ नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, ये भी राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वह है फोर्थ नंबर, यानी सभी तीनों खतन सही है, तो फोर्थ नंबर का जो है वो राइट है। ठीक है शंकर जी, थोड़ा स्पीड में हम कर सकते हैं क्योंकि बच्चे आपसे बहुत पढ़ चुके होंगे, अब तो उनको सिर्फ जवाब चाहिए, थोड़ा स्पीड में सर। 14 नंबर है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलग्गा चेटियार द्वारा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई? उसका ऑप्शन है फोर्थ, करायकुडी 1953, राइट आंसर है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई, यह घटना किस स्थान की? यह है गोहपुर, आसाम में है, गोहपुर जिले की घटना है ये। ठीक है, अठारह नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई? तो 1909 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित हुआ, राइट आंसर जो है वो थ्री है। ट्वेंटी थ्री, तेईस नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें मिलान वाला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो है उसके तिरंत यानी कि उसके पर्यायी, उसके जो संपर्क है वो कौन से है? पार्श्वनाथ से संबंधित है सर्प, आदिनाथ से वृषभ, महावीर से संबंधित है सिंह और शांतिनाथ से संबंधित है हिरण। इसमें जो ऑप्शन है वो अपने फर्स्ट, ए बी सी डी में जो फर्श है वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन अपने पास राइट है। उसके बाद में 26 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिस की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है पॉलिटिकल से रिलेटेड, लेकिन उसमें राइट आंसर होगा सवर्ण सिंह समिति के द्वारा जी। बाकी क्वेश्चन सर ने बता दिया, ये भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे जो मैंने बताया आपको। एक बड़ी खबर का रुख, आज हम आपके लिए आरएएस प्री की आंसर की जारी कर रहे हैं, संभावित आंसर की जारी कर रहे हैं, और इसके लिए बेहद खास पैनल को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया। हमारे साथ कुंवर कनक सिंह जी है, सामान्य ज्ञान के बारे में जिन्होंने बताया, उनसे जुड़े सवालों की पूरी जानकारी आपको दी, उनके जवाब बताए। हमारे साथ भारतीय राजनीति से जुड़े उसके एक्सपर्ट जेसी जाखड़ जी हैं, प्रोफेसर एम शंकर जी इतिहास के जानकार, उन्होंने पूरा इतिहास आपके लिए खंगाला, एक एक सवाल का जवाब दिया। विवेक चौधरी रीजनिंग मैथ के हैं एक्सपर्ट, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन जाखड़ जी, भारतीय राजनीति वर्तमान की नहीं सर, जो समझ में ना आए, वो जो किताबों में लिखी गई है, वो जिसके जरिए भविष्य बन सकता है, उससे जुड़े सवाल कितने थे, जवाब क्या है?
जवाब ये कि अब की बार पेपर में आपने सही सटीक जब बोला आपने कि राजनीति वर्तमान भूत और भविष्य के जो संबंधित प्रस्ताव जो संसद में संशोधन प्रस्तावित थे तीनों को समाहित कर लिया इसमें जी। और साथ ही इसमें एक और बात कहना चाहूंगा कि अब जो पेपर आया अब की बार पॉलिटी का उसमें फैक्चुअल भी क्वेश्चन हुआ है जो सामान्य नहीं है, जैसे किसी सिंपल गाइड में मिल जाए। बच्चों की आपत्ति रहती थी कि साहब गाइड में से ऐसे कैसा पेपर आ गया, लेकिन अब पेपर बहुत अच्छा दिया, उस वो ही बच्चा इसको सही ढंग से कर पाए जो बहुत सीरियस तरीके से तैयारी की, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जी। बताइए सर। सर पॉलिटी का सबसे पहला सवाल जिसमें मूल करते हो की बात की गई, किसकी सिफारिशें जोड़े गए, जो सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशें जोड़े गए। दूसरा सवाल जो पूछा गया कथन कारण का था, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों के बारे में पूछा गया कि इनका कार्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, और कारण दिया है कि उससे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसदीय कानून को बनाए रखना है। इसमें दोनों यानी कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है सर। इसके बाद में आरटीआई अधिनियम के बारे में पूछा गया कि आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य क्या नहीं है, जिसमें एक उद्देश्य इसका नहीं है वो ये है कि समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, ये आरटीआई का उद्देश्य नहीं है, बाकी तीन इसमें उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन जो राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि जो प्राकलन समिति ए है वो किस विभाग के अधीन, किसके उसके अधीन कौन सा विभाग नहीं आता, जिसमें होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग आता है, जो प्राकलन समिति के पार्ट बी के नीचे आता है, और बाकी तीन उसमें आते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा है सर, तथ्यात्मक है लेकिन ये थोड़ा सीरियस है कि हाई कोर्ट के कौन सा न्यायाधीश था जो राजस्थान में राज्य मंत्री रहे, इसमें एक है जस्टिस फारूक हसन है जो राज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 103 की, जिसमें यह पूछा गया है कि राज्यपाल है जो राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय करता है, तो किससे परामर्श लेते हैं, वो लेते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श लेते हैं, तो इसमें दो सही है। इसके बाद में पूछा गया कि राजस्थान के कौन मुख्यमंत्री लोकसभा सदस्य नहीं रहे, चार मुख्यमंत्रियों के नाम दिए जिसमें हरिदेव जोशी, भरो सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खान। इसमें टीकाराम पालीवाल एकमात्र जो लोकसभा सदस्य रहे निर्दलीय रूप से, और हरिदेव जोशी, भरो सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान लोकसभा सदस्य नहीं रहे। अगली बात आती है सर, विशाखा बनाम अन्य राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित, आर्टिकल 21 से संबंधित है, जिसमें कहा गया कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन भी जारी की है सर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो पॉलिटिक आता है वो ये पूछा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC जो कि 2014 में स्थापित हुआ था, इसको असंवैधानिक किया गया, उच्चतम न्यायालय ने कौन सा संशोधन था, यह 99वां संशोधन अधिनियम था जो NJAC संबंधित था, और इसे न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के तहत इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके बाद में अगला सवाल है कि RPSC अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है, यह वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, जैसे UPSC कार्यों का राष्ट्रपति को दिया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यह था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर पद पर अध्यक्ष में किसको नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें ऑप्शन सही होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और हाल ही में संशोधन करके ये प्रावधान भी कर दिया गया कि उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश पर अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो बनता है, एक कोटेशन दिया गया है एक संविधान सभा के संबंध में, कहा गया एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीव फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, ये किसने कहा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नागरिक अधिकार पत्र से सिटीजन चार्टरशिप से है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा मूल तत्व सम्मिलित नहीं है, जिसमें केवल वो तत्व सम्मिलित नहीं, वो ही बताऊंगा मैं कि अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा या विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान किए गए सेवाओं का विवरण इसमें आ जाएगा, लोक अभिलेख की अपेक्षा की बात। अगला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्रम पूछा है मुख्य न्यायाधीशों का, जिसमें सही उत्तर आएगा HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, ये इसका सही उत्तर आएगा। इसके बाद में चलते हैं साहब, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कब बनाए गए, 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि इससे पहले राज प्रमुख हुआ करते थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है संविधान सभा की समितियों व अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, और जिसमें सम्मेलन करवाने का कथन पूछा गया कि मूल अधिकार समिति, कार्य संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन रहे। इसमें कार्य संचालन समिति के KM मुंशी रहे, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू रहे, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर और मूल अधिकार के सरदार पटेल रहे साहब। इसके बाद में DPSP नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में गलत युग्म को यानी सही युग्म कौन सा है,
जो अनुच्छेद दिया है उसके बाद में पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित है। इसमें देखो ग्राम पंचायत को गलत दिया, कृषि का गलत दिया है, इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन 39D है, तो इसमें 39 दे दिया, तो सही हो गया सब। अगला सवाल करें, मुख्य रूप से ये जो राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी संबंधित मुख्य क्वेश्चन इसमें यही थे जी, और जो भी है बाकी अंतिम कुंजी आरपीएससी करेगी। जो भी एक दो क्वेश्चन और बढ़िया हैं जो लास्ट में कवर करता हूं सर, लोक नीति के संबंधित बहुत अच्छा। मुझे लगा कि आज 3+1 का सीन नजर आ रहा है कुंवर जी, क्योंकि मुझे लग रहा है 70-75 के आसपास अभी सवाल हुए हैं और बाकी अब विवेक चौधरी जी के हाथ में ये पूरा पेपर पहुंच गया है, मतलब कि बाकी अब उनको करना है रीजनिंग मैथ और बाकी जिम्मेदारी विवेक चौधरी जी आपके कंधों पर है। 15 मिनट, 70 के आसपास सवाल होंगे, उनको क्लियर कीजिए सर। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने आरएस के एग्जाम दिए, और अब हम बात करने वाले हैं साइंस रीजनिंग और मैथ्स की। और ओरल पेपर को देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग के अंदर उन विद्यार्थियों के क्वेश्चन अच्छे हुए हैं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर थे। तो सबसे पहले हम समय ज़्यादा नहीं लेते हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं सर। इसमें अपने नंबर जो क्वेश्चन सीरीज अपने पास रही हुई है ये है शायद 01 है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 111 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट, इसका जो आंसर रहेगा ये तीसरा ऑप्शन रहेगा, केवल सेकंड और थर्ड तर्क इसमें है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे उसमें आप टिक लगा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास, इसका जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा केवल निष्कर्ष 1 के अनुसार, इसका सही आंसर देखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 113 इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, और इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है उनके अनुसार जो यहाँ पर आंसर देखा जाएगा वो केवल पहला उसका ऑप्शन आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 114 की हम बात करते हैं, इसमें एक आरेख दिया गया है और कुछ अंक यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देना है, और इन्होंने पूछा है कि आर अंक को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन रहेगा जिसमें 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया है कि आयत और वर्गों की कुल संख्या कितनी है, इसका आंसर 21 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, 1 से लेकर 156 की संख्याओं में जो संख्याएं हैं उसमें 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य का आपको पूछा है समांतर माध्य, इसका जो आंसर होगा वो 78 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117 इसका जो क्वेश्चन है कि आयत पुरुष और त्रिभुज लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर 11 रहेगा, 4 ऑप्शन इसका आंसर है। एक इसमें पाई चार्ट दिया गया है जिसके अंदर आपको एक पाई चार्ट के अंदर सभी चीज़ों का व्याख्या की गई है, क्वेश्चन नंबर 118 इसका आंसर डी रहेगा, 38,250 रुपये। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 119 नंबर का है जिसमें लिखा हुआ है कि वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, इसका आंसर दादा आएगा लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर 121 है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, रीजनिंग के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट के हैं, इसमें आपका जो आंसर होगा वो केवल सेकंड वाला आंसर होगा, केवल सेकंड पूर्व धारण वाला। एक आया था सिंपल इंटरेस्ट का जो मैथ्स का क्वेश्चन था, इसके अंदर SI और CI का डिफरेंस दिया गया था और 3 ईयर का टाइम था, इसका आंसर आपका 24,000 रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन 123 है, इसका आंसर स्पष्ट रहेगा क्योंकि इसमें इंग्लिश के शब्द लिखे हुए कोड भाषा में लिखा हुआ है, तो उसका आंसर आपका फर्स्ट आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 125 है जिसमें आयताकार कमरा दिया गया है जिसकी 12 मीटर लंबाई है, इसका आंसर डी ऑप्शन रहेगा, 2055 वाला। और एक क्वेश्चन था आपके बास्केटबॉल वाला, इसका तीसरा आंसर आएगा क्योंकि उसमें डायग्राम बना हुआ है डायरेक्ट। एक क्वेश्चन था कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, इसका आंसर आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा। और फिर हम चलते हैं 128 में जिसमें लिखा हुआ है कि 6 लड़कियां और 4 लड़कों का समूह बना हुआ है, इसका आंसर 209 रहेगा। और इसके आगे चलते हैं कि 1 थैले में ₹1.50, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 720 रहेगा। और उसके बाद में हम साइंस की बात करते हैं, ये थे आप लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चन। और साइंस के अंदर जो क्वेश्चन है इसमें एक तो ये लिखा हुआ है कि स्टेथोस्कोप में रोगी का जो है इसमें आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, धवनी की बहु अपर्दन द्वारा, क्वेश्चन नंबर 95 है वो। और एक था इसमें कि एक किस्म पूछी गई है, इसका आंसर रहेगा तीसरा, मुर्गी की किस्म होती है। और एक क्वेश्चन नंबर 97 लिखा हुआ है जिसमें गैस के बारे में पूछा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, ये मीथेन होती है। एक क्वेश्चन नंबर 98 था जिसमें पूछा गया था कि पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है, इसका आंसर आपका 1.5
1.849 वाला रहेगा, लगभग यही क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन लास्ट का था जिसके अंदर इसका डी आंसर आएगा, डाउन सिंड्रोम वाला। और एक क्वेश्चन आया था कि बायोमास का एक उल्टा पिरामिड वाला, इसका आंसर समुद्री रहेगा। ये सर साइंस और मैथ रीजन के क्वेश्चन थे। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ सवाल और मिस हो रहे हैं, जैसी जाखड़ जी बार बार इशारा करें। जाखड़ जी बताइए कौन कौन से सवाल मिस है और उनके जवाब क्या है। सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल रह गए, जिसमें एक राज्य विधान परिषद का सवाल है 169 में, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सर इसमें राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है, केंद्र सरकार बाध्यता आरोपित नहीं करते। इसमें आएगा कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं है, ये सही है इसमें, बाकी पहला वाला गलत होगा। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर परिषद में राज्य सरकार कितने सदस्य मनोनीत कर सकता, अधिकतम 8 आएगा ये, जिसमें 2021 में प्रावधान जोड़ा है। एक क्वेश्चन आया कि राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, दो कथन दिए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, और दूसरा कथन दिया है इसका एक सचिव होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो इसमें पहला कथन गलत है क्योंकि जुलाई 1994 को ये गठित हुआ था, तो एक कथन गलत हो गया। इसके अलावा सर अगला राजस्थान लोकायुक्त के बारे में सवाल है, जो कि ये इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, तो ये डिलीट होने की संभावना है क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दे दिए, तो इसका उत्तर नहीं बताऊंगा मैं। इसके बाद में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा के तहत ग्राम सेवक का नाम वीडियो किया गया, ये धारा 89 है, जो हाल ही में वीडियो की वैकेंसी भी आई हुई है। इसके अलावा एक और बढ़िया क्वेश्चन जो करंट का भी है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में कब पद स्थापन करने की बात कही गई, यानी आरएस कब जिला कलेक्टर बन सकते हैं, ये 2013 से प्रावधान किया गया। तो ये मुख्य रूप से जो क्वेश्चन थे जो छूट गए थे, ये महत्वपूर्ण सवाल थे, इसलिए मैंने दोबारा से समय लिया। एक सवाल का जिक्र आपने किया कि वो सवाल ही गलत पूछा गया, वो सवाल पढ़ा जा सकता है, सवाल क्या है? इसमें पूछा गया कि राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त है, सही बात है, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई। दूसरा, उसका क्षेत्राधिकार में मंत्री राज्य विधानसभा के सदस्य उच्च लोक सेवक तक फैला है, तो सब विधानसभा सदस्य शामिल नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन में ये दे दिया। ठीक है, वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, सही बात है, उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, नेकी शिकायतों के आरोपों की जांच करता है, तो बी कथन था, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल कर दिया। तो इसमें ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिसमें डाउटफुल है, तो अंतिम आरपीएससी क्या मानती है, इसे डिलीट करती है, वो उन्हीं के आंसर की कंसर्न करना होगा। सवाल के चक्कर में कोर्ट में तो नहीं चले जाएंगे? हाँ, ये सब जाएंगे, क्योंकि ये जो विद्यार्थी जो पढ़ रहा है अभी तक, जो राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर पढ़ेंगे, तो साहब ये ऑप्शन गलत हैं, तो बच्चा तो इस आधार पर कोर्ट में जाएगा, साहब जो राजस्थान सरकार हमें उपलब्ध करवा रही है वो हम पढ़ रहे हैं और उसी पे गलत होगा। ये भी हो सकता है आरपीएससी इसको कहे कि ठीक है 149 में से ही मार्किंग करते हैं। हाँ, ये जो आरपीएससी का अंतिम निर्णय होगा, लेकिन इस पे जो डाउटफुल सवाल जो ऑप्शन दिए हैं, तो विद्यार्थी के पास जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उसके आधार पर वो जा सकते हैं। गौर कनक सिंह जी कॉपी को तैयार करके बैठे हुए हैं, अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप सामान्य ज्ञान के एक्सपर्ट है, तो कोई सवाल बच गया या पूरे हो गए? सर कुछ सवाल और हैं जिनके जवाब देने हैं, उनके दे देते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिनमें पहाड़ियों के नाम और स्थान पूछे गए, इसमें सुमिलित करो 4 नंबर इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें स्थान और जगह के नाम पूछे गए हैं, लालगढ़ पैलेस ये बीकानेर में है, त्रिपुरा सुंदरी ये बांसवाड़ा में है, गागरून का किला झालावाड़ में है, और नाकोड़ा जो है वो बाड़मेर में है। और क्वेश्चन नंबर 55 है, नदियों के उद्गम स्थल यानी कुंभलगढ़ के निकट से निकलती है बनास नदी और बेड़च कोठारी इनकी सहायक नदियां हैं, तो 3 नंबर राइट आंसर है जी। निम्नलिखित से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, तो आगरा वहां पर स्थित है, कौन सा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 57 में कोई राइट आंसर आरपीएससी ढूंढ पाएगी तो मैं उसे बधाई दूंगा। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है हमारा 59, जिसमें 4 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 में 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 62 है, हमारे जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है उसके अनुसार गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र ये 1 नागौर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये 4 नंबर राइट आंसर है, अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो है 4, इसमें जिला दिया हुआ और प्रमुख उद्योग दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो है गोरेनाय सोरिया सूती वस्त्र, यानी कौन सा सुमेलित है वो पूछा गया था।
और क्वेश्चन नंबर 66, थार के मरुस्थल के भाग कौन से हैं? गोडवाड़ प्रदेश है ही है, सेखावाटी प्रदेश ये भी है, गग्गर का मैदान भी है, बनास नहीं है। तो ए बी और डी इसका राइट आंसर आएगा। इस बार जो प्रश्नों का स्वरूप दिया, देखिए एक ऐसी परीक्षा हुई जिसमें ट्रेंड चेंज हुआ है और नेचर चेंज हुआ है, यानी प्रश्नों को पूछने का तरीका बदला है और अप्रोच बदली है जी। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर 4, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर डोडा बेटा चोटी, वो उसका राइट आंसर है 4, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है 3, और क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है 2, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है 1, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है 2, और ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक और प्रश्न रह गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण भाग में नहीं है? तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बाड़मेर इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है 4, और क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है 1, और क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है 2, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है 2, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है 4, क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है 3। ये प्रमुख प्रश्न थे जिन जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष पहुंचे। जैसा जीसी जाखड़ सर ने कहा था, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका पूछने से पहले किसी पुस्तक में उसका उत्तर नहीं हो, लेकिन बाद में कुछ पुस्तकें लाई जाए, अंतिम आरपीएससी जो आंसर की डिक्लेयर करती है, प्रामाणिक तथ्यों के अनुसार वो उत्तर सही माना जाएगा। फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत बधाई कि फर्स्ट इंडिया ने वो काम किया राजस्थान के युवाओं के लिए जिससे वो अपनी मेरिट तय कर सके, हालांकि मेरिट बहुत अधिक नहीं जानी है। उसका कारण ये भी माने कि 50% के आसपास तो बच्चे बैठे ही हैं एग्जाम में, तो 50% तो वैसे ही बाहर हो गए हैं परीक्षा से, जो 50% बैठे हैं उसमें भी पेपर इतना टफ कहें या इतना बेहतरीन कहें कि जो सही तरीके से पढ़ा है वही जाए। आरएस कहा जाता है जी, जिसे लेवल आरएस कहा जाता है, जिसकी अप्रोच आरएस मानी जाती है। लोग मानते हैं कि बोले रट्टे लगाकर कुछ क्वेश्चन आंसर हल करके यूट्यूब के देवता बनकर हम आरएस बनवा देंगे, संभव नहीं है। पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ाई करनी पड़ेगी जो आपको आरएस अधिकारी बनाने का सपना पूरा करती है। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आप उस प्रोग्राम का हिस्सा थे जब हम रीट के एग्जाम को क्रैक कर रहे थे, आंसर की हम उपलब्ध करा रहे थे, आज हम आरएस प्री की आंसर की उपलब्ध करा रहे हैं। एक शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, संभावित आंसर की। जी सर, उसको कितने परसेंट संभावित माने, क्योंकि वो परिणाम भी हमने जारी किया, ये परिणाम भी हम जारी कर रहे हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि रीट जो राजस्थान में एक बहुत बड़ा उत्सव चला था, उसकी आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई, और फर्स्ट इंडिया चैनल को बहुत बहुत बधाई कि फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से मिशन टीम मिशन ने जो आंसर की जारी की थी, किसी भी प्रश्न पर विवाद नहीं है, और लगभग हर आंसर की जो उससे पहले जारी हुई, सबका अपना अपना सोचने का तरीका था, लेकिन फर्स्ट इंडिया की आंसर की मानक और प्रमाणिक सिद्ध हुई है। कोई ऐसा प्रश्न सर हमने आपके इस मंच से ऐसा नहीं बताया जिसकी आंसर की हमने कुछ और बताई हो और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसका आंसर कुछ और माना हो। इसके लिए सर आपके प्रयास और फर्स्ट इंडिया का जो विश्वास राजस्थान के युवाओं के प्रति है और आपने हमारे प्रति जो व्यक्त किया है, हम राजस्थान की युवा पीढ़ी और फर्स्ट इंडिया के और विशेषकर आपके बहुत आभारी हैं। सर ये तो विश्वसनीय मंच है, विश्वसनीय प्रोफेसर आपके जैसे एक्सपर्ट बैठ जाते हैं तो अविश्वसनीय परिणाम आते हैं। जी सर, और मुझे लग रहा है कि वो आज भी बच्चों तक पहुंच रहे हैं। मैं फिर अंत में यही पूछ रहा हूं सर, कोई सवाल बचा तो नहीं जिसका जवाब देना बाकी रह गया हो? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके एक्सपर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर, हमने सारे सवाल बता दिए, कुछ सवाल जाने अनजाने में इसलिए छूट सकते हैं क्योंकि मिक्स प्रश्न है ना, हमने रेंडमली प्रश्न के उत्तर आप लोगों को बताया। माने कि 140 के आसपास हमने कवर कर दिए होंगे सर, 140 के आसपास तो कवर हो गए होंगे। हाँ, उससे ज्यादा सर, उससे ज्यादा, हाँ, दो तीन चार प्रश्न हो सकते हैं और एक दो सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना मुमकिन ही नहीं। नहीं, जवाब तो मुमकिन, मिशन टीम जवाब नहीं देगी तो फिर देगा कौन? नहीं, जैसे जाखड़ साहब कह रहे थे कि अब उसमें सारे ही आंसर गलत है तो क्या करें फिर? ये भी एक आंसर है ना सर इनका, ये भी आंसर है सर। नहीं, लेकिन इससे मार्क नंबर तो नहीं मिलेंगे। हाँ, इसमें नंबर ये नहीं, नंबर क्योंकि नहीं इसमें मिलेंगे। थोड़ा सा के सही और गलत दोनों मिक्स कर दिया ऑप्शन में, तो उसको सही बताना कैसे जज मानेंगे कि इसमें सही क्या है? तो वो तो आरपीएससी ही करेगी, और जो जैसे सर पहले बोल चुके अपने परंपरा को जारी रखती है, इतने विशेषज्ञ पेपर तैयार करते हैं फिर भी गलतियां कैसे हो जाती, बच्चा बेचारा परेशान रहेगा, उसने मेहनत की। एक्सपर्टनेस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं होते तो ये भी नहीं बता पाते थे इसमें गलती क्या है, आप सीधा नंबर देते। आरपीएससी इतना अच्छा तैयार करते हैं, बेचारे बच्चे मेहनत किए हैं, अब उनके साथ अब यही विवाद रहेगा कि हमारा क्या सही है क्या गलत है जी। लेकिन
एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा जाखड़ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर एक दो सवाल को फंसा दिया जाए ताकि परीक्षा का परिणाम ही फंस जाए? अब ये तो क्या है कि इरादतन तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि राजस्थान के इतिहास में देखता हूँ ज्यादातर परीक्षाएं कोर्ट में ही अटकी रहती हैं। ये तो सर अपने वो कहते हैं ना कि आज पेपर में भी आया था कि 3 साल की जो एग्जाम्स हुई वो कोई भी बिना विवादों के संपादित नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी राजस्थान सरकार के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि विद्यार्थी इतने दिन से तैयारी करता है और बिना चुनौतियों के उसको अपनी सफलता हासिल नहीं होती, तो तैयारी में परेशान होता है, तैयारी के बाद में परेशान होता है, नौकरी कब मिलेगी तो परेशान हो, जिंदगी में परेशानियों का हल कहां मिलेगा? ठीक है एम शंकर जी, इतिहास जिस तरीके का आया है उम्मीद क्या की जाए कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका भविष्य स्वर्णिम होगा? सर जैसे कि जिस तरह से इतिहास भारतीय इतिहास के क्वेश्चनों को दिया है और उसके आंसर है, तो मैंने पहले भी बताया था कि स्टूडेंट गण की जो प्रतियोगी छात्र है उसको सोचना पड़ रहा है कि हाँ इसको मुझे कैसे चूज करना है। बहुत मैंने पहले भी बताया कि दो ऐसे है जिसको लग रहा है कि ये भी राइट है और ये भी राइट है, लेकिन इतिहास में ये है कि कोई क्वेश्चन विवादित नहीं है। इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन विवादित नहीं है, तो मैं मानना चाहूंगा कि ये कह सकते हैं कि इतिहास का विद्यार्थी अगर उसको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता तो वो मेरिट में थोड़ा सा आगे अपने आप को रखने का प्रयास करेगा। ठीक है विवेक जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि तर्क के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं और इस पेपर ने ये बता भी दिया है, तो तर्क कितने काम कर पाएंगे? उनके काम करेंगे जो लंबे वक्त से पढ़ते आ रहे थे, या उनके तर्क काम करेंगे जिन्होंने कुंजी को लिया और एग्जाम देने चल दिए? नहीं सर, इसमें क्या है कि मैथ और रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, तो जिन विद्यार्थियों ने शुरू से ही तैयारी करते समय अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से तैयार करके गए थे उन विद्यार्थियों को वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स के अंदर सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पे थे और नॉर्मल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जी कुंवर जी, फाइनल कमेंट में आपसे, कोई भी बच्चा जो जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान ले, कितने सवाल ऐसे होंगे जो वो अटेंड कर पाया होगा? क्या आपको लगता है कि पूरे 150 अटेंड कर पाना संभव था इस तरीके के परीक्षा, जिस तरीके के सवाल आए, जिस प्रकार का पेपर आया है, 120 प्लस अगर कोई छात्र अपने पेपर इसमें हल कर रहा है 150 में से, आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल रहा, प्रश्नों की जो डेप्थ रही और प्रश्नों की जो अप्रोच रही है, वो हमारे यहाँ पर इन प्रश्नों के अनुरूप राजस्थान में पढ़ने का ट्रेंड नहीं है, हमारी लर्निंग स्ट्रेंथ वैसी नहीं है, तो बहुत अच्छा पेपर। हालांकि जिन्होंने तैयारी बहुत गजब करी, एनालिटिकल अप्रोच जिनकी रही, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकें और प्रमाणिक पुस्तकों जो पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस की डिमांड के अनुसार वो 130 के लगभग इसमें हल कर सकते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मानी जाएगी। और एवरेज शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जाखड़ जी आपका भी शुक्रिया, शंकर जी आपका भी शुक्रिया, विवेक जी आपका भी शुक्रिया। एक बेहतरीन एक्सपर्ट का पैनल हमने आपके लिए इसलिए बैठाया ताकि एक घंटे में हम आपको ये बता पाएं कि जो आज 3 घंटे आप देके आए हैं उसका परिणाम क्या है। ये लगभग लगभग वही परिणाम है जो आने वाला है, इसलिए आज ही आपको पता चल गया होगा कि आप आरएस प्री क्रैक कर रहे हैं या अगली बार फिर से बैठना है। नमस्कार।